जिला कांगड़ा के देहरा उपमंडल के डलियारा में एक बायोमास प्लांट स्थापित किया गया है। इसमें लेंटाना और पाइप नीडल को परिष्कृत करके इसका पाउडर बनाया जाएगा, जिसे सीमेंट और ईंट की कंपनियों को बेचा जाएगा। इससे भी बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, वहीं पर्यावरण भी बचेगा। ये शब्द देहरा विधानसभा के विधायक होशियार सिंह ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहे। जिला कांगड़ा के देहरा उपमंडल के डलियारा में एक बायोमास प्लांट स्थापित किया गया है, जिसमें लेंटाना और पाइप नीडल चीड़ की पत्तियों को परिष्कृत करके इसका पाउडर बनाया जाएगा, जिसे सीमेंट और ईंट की कंपनियों को बेचा जाएगा। इससे भी बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, वहीं पर्यावरण भी बचेगा। ये शब्द देहरा विधानसभा के विधायक होशियार सिंह ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहे। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था लेंटाना को 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेगी। वहीं लेंटाना और चीड़ की पत्तियों के कारण जंगलों को लगने वाली आग के मामले भी कम होंगे। अमरसन इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये प्लांट लगाया गया है और सरकार ने ऐसे 25 प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। एक यूनिट 25 लाख रुपए में स्थापित होगा और इसमें 50% सब्सिडी भी मिलेगी। इसके लिए बिक्रेटिंग मशीन भी बनाई गई है, जिसके लिए ITI मंडी का भी सहयोग लिया गया है। उन्होंने कहा कि देहरा के हरिपुर में CRPF के कमांडो कोबरा की ट्रेनिंग सेंटर बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है। विधायक ने कहा कि हरिपुर में CRPS कोबरा कैंप खोला जाना है और उस कैंप में हिमाचल सरकार ने 250 एकड़ भूमि आवंटित कर दी है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने मंजूरी भी प्रदान कर दी है। पत्रकार वार्ता के दौरान देहरा के विधायक होशियार सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद CRPF यहां कोबरा ट्रेनिंग सेंटर खोलेगा, जहां 2500 परिवारों का बेस कैंप भी बनेगा, साथ ही यहां भर्ती सेंटर भी बनेगा। उन्होंने कहा कि इस इलाके में 10,000 के लगभग नए लोग आएंगे, जिससे इलाके की तरक्की होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। विधायक ने देहरा उपमंडल के हरिपुर में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल कार्यालय खोलने के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इसकी अधिसूचना उनको प्राप्त हो चुकी है और जल्द ही मुख्यमंत्री हरिपुर में इसका शुभारंभ करेंगे। और उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के खुलने से हरिपुर के लोगों को भी लाभ मिलेगा। ये पिछले कई वर्षों से जो है मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य कर रहा हूँ और अब ये फाइनल स्टेज पे पहुँच गया है। ये है बायोमास, बायोफ्यूल। बायोमास जो है एक लेंटाना, जो हमारे फॉरेस्ट वेस्ट है, लेंटाना पाइन नीडल्स, इसके ऊपर जो है ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। हमारे अधिकतर भूमि जो है हिमाचल प्रदेश की जो है वो लेंटाना और पाइन नीडल्स ने बर्बाद कर दी है, तो हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया है। इसके ऊपर R&D करके इसकी ऐसी मशीनें हमने डेवलप की है कि जो बायोमास और पाइन नीडल्स को पाउडर फॉर्म करके और इसको फिर कंप्रेस करके इसके ब्रिकेट्स बनेंगे और ये ब्रिकेट्स एज अ फ्यूल जो है बॉयलर्स, फर्नेस में, ब्रिकलिंस में यूज होंगे एज अ कोल और एज अ वुड। तो ये एक बहुत बड़ा लिक्रेटिव प्रोजेक्ट है, बहुत कामयाब प्रोजेक्ट है। यहाँ हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, हजारों किसान जो उन्हें भी एक किस्म से रोजगार मिलेगा। इसे इसका जो हमने प्राइस फिक्स किया है ये है 100 रुपये क्विंटल। जो भी व्यक्ति इसे इकट्ठा करेगा उसे 100 रुपये क्विंटल के रेट से खरीदा जाएगा। मैं सरकार का और जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो एक CRPF के कैंप के लिए मंजूरी दे दी है जमीन की। ये 260 एकड़ जमीन जो है CRPF को 1 रुपए की लीज पे दी जा रही है। यहाँ बहुत बड़ा बेस कैंप आएगा, 2,500 परिवार यहाँ पर पीसफुल एरिया होगा, यहाँ पर बसेंगे और साथ ही में कोबरा ट्रेनिंग सेंटर होगा और इसके अलावा और बहुत सारी डेवलपमेंट होगी, रिक्रूटमेंट सेंटर होगा। तो जो देहरा जो पिछले 30 साल से पिछड़ा हुआ था, जो 30 सालों से विपक्ष में बैठा था, तो और जो देहरा के जो हालात थे डैम बनने के बाद से 50 सालों से बहुत बुरे हालत,